ये रोड साइन है भाई तेरा पहले वाला, ये सर अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग है 200 मीटर, अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग 200 मीटर। ये वाला ये सर ओवरटेक मना है, ओवरटेक नहीं कर सकते। और ये सर चौराहा, चौराहा पक्का ठीक है। अब बता कि जब हम किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं और हमें आभास हो कि हम गाड़ी के बिल्कुल साइड में चले गए हैं और अब हमें थोड़ी ही असुरक्षा महसूस हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे सर? उस वक्त पहले तो हम सामने वाले व्हीकल को डिपर दे के उससे जाने के लिए परमिशन के लिए डिपर देंगे कि वे हमें रास्ता दीजिए। तो उसके सर क्या आप ओवरटेकिंग करते समय रिवर्स आ सकते हो? सर वैसे ओवरटेकिंग करते समय रिवर्स आना मना होता है, क्योंकि जिस जगह से हम एक बार रास्ता बदल लेते हैं तो उस अगले समय में वहां पे दूसरी गाड़ी आ जाती है, तो रिवर्स हम नहीं आ सकते। वैसे देखा गाड़ियों के अंदर एक तो टर्बो चार्जर, सर तो टर्बो चार्जर लगाने से गाड़ी में क्या फर्क पड़ता है? टर्बो चार्जर लगाने से सर हमारी गाड़ी अच्छी तरह माइलेज देती है, इंजन की पावर बढ़ जाती है, और पहाड़ी इलाकों पे जहाँ एयर की कमी होती है वहाँ इंजन को प्रॉपर वैल्यू में लगा देती है। गाड़ी के अंदर एक सीट बेल्ट लगा दी, तो सीट बेल्ट अगर हम ना लगाएं तो उसका नुकसान क्या होगा? अगर सर हम सीट बेल्ट नहीं लगाए तो किसी टाइम हमें इमरजेंसी टाइम पे ब्रेक लगाने पड़ जाए तो उस टाइम हम डिसबैलेंस हो सकते हैं, हैंडल पे जाके टकरा सकते हो आगे साइड में शीशे से, उससे भी गाड़ी से बाहर निकल सकते हैं। जलती बुझती लाल बत्ती होती है एक, तो उसका अर्थ क्या होगा? सर उसका अर्थ यह है कि आप अपनी गाड़ी को स्टॉप लाइन पर रोके और देखे और चले सावधानी। 407 गाड़ी होती है जो, उसमें 407 नंबर का अर्थ क्या है? सात नंबर इसका अर्थ होता है कि गाड़ी 70 हॉर्स पावर की है और 4 टन पास है, 4 टन वेट, टन जो होगा इसके अंदर जो लोड कैपेसिटी इसकी वो 4 टन में है, और जो गाड़ी की पावर है वो 70 हॉर्स पावर की है। गाड़ी में वो सामान्य डॉक्यूमेंट्स देखे जाएं तो वो कौन कौन से होंगे एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर? प्राइवेट गाड़ी के अंदर सर गाड़ी के एक तो POC पोल्यूशन होना चाहिए, RC होनी चाहिए उसका सर, RC पोल्यूशन और एक RC होगी, एक पोल्यूशन हो गया, एक आपका लाइसेंस हो गया। लाइसेंस तो सर हमारा हो गया, किसी का भी तो डॉक्यूमेंट तो सारे उसी में, गाड़ी को चलाएगा कौन? और एक इंश्योरेंस हो गया, एक इंश्योरेंस, चार हो गए ना ये, RC लाइसेंस इंश्योरेंस और पोल्यूशन। एक होता है लुब्रिकेंट शब्द, तो लुब्रिकेंट किसे कहते हैं? लुब्रिकेंट सर पदार्थ को कहते हैं जो हम उसमें पदार्थ डालते हैं, किसके काम आता है वो सर? लुब्रिकेशन के काम आता है, किसी दो पार्टों के बीच में लुब्रिकेशन करना, लुब्रिकेशन हमारी क्रिया। अच्छा, लुब्रिकेशन की जो क्रिया होती है किसके द्वारा होती है? लुब्रिकेंट के द्वारा। ठीक है, नाम क्या था तेरा? अंकित। अंकित ठीक है भाई, अंकित छोरे ऐसे बताना शांति से, कर तेरा टेस्ट।